दिल्ली सरकार के कड़ाई के दावे के बावजूद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके के ईस्टर पब्लिक स्कूल ने मनमाना फीस नहीं देने पर बच्चों का रिजल्ट रोक दिया। नाराज परिजनों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल अभिभावकों ने बताया कि ईस्टर पब्लिक स्कूल फीस को लेकर कोरोना महामारी में जारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, रोक के बावजूद फीस बढ़ा दिया है। इसके अलावा अलग अलग चार्ज के नाम पर अभिभावकों से पैसा वसूला जा रहा है। जो अभिभावक बढ़ा हुआ फीस देने से असमर्थता जता रहे हैं, उनके बच्चों का रिजल्ट रोक दिया गया है। अभिभावकों ने बताया कि दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र का होने के बावजूद स्कूल प्रशासन को सरकार का डर नहीं है, वो अपनी मर्जी पर उतारू है। फीस नहीं जमा करने पर पहले बच्चों का ऑनलाइन क्लास भी बंद कर दिया गया था। समस्या ये भी है कि कुछ पेरेंट्स हैं जो बढ़ी हुई फीस नहीं दे पाए, तो इन्होंने उनके रिजल्ट रोक दिए, एक बात। दूसरी बात सर, जो 2019 से 20 का जो सेमेस्टर था उसमें इन्होंने ये कह रहे हैं जी उसका एरियर है 70,000 रुपये, उसे दो। ये हम बार फीस जमा करते तो उसमें ये एरियर में काट देते हैं, एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो अगर इनकी बात ऑर्डर की मान लेते हैं तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर में ये स्पष्ट लिखा हुआ कि ये फीस इंक्रीज नहीं कर सकते। इन्होंने फीस इंक्रीज कर दी, पहली बात। दूसरी बात ये, जो ट्यूशन फीस थी पिछले साल जो इन्होंने लास्ट ईयर हमसे ली थी, वो भी इन्होंने बढ़ा के लिए। आप चाहो तो स्कूल वाले पारी कर सकते हो, हमारी रजिस्ट्री मिला के उन्होंने वो भी बढ़ा के लिए हमसे। अच्छा, आज क्या समस्या हुई है? आज समस्या ये है सर, कुछ पेरेंट्स है जो बढ़ी हुई फीस नहीं दे पाए तो उन्होंने इनके रिजल्ट रोक दिए। जी सर, ये एस्ट्रा पब्लिक स्कूल है जो प्रकृति गाइडलाइंस को नहीं मान रहा है, और ये जो विद्यालय है जो मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में आता है, और ये लोग है ना बड़ी हुई फीस बढ़ा कर ले रहे हैं। बड़ी हुई फीस पर जब हम लोगों ने कहा है कि इतनी फीस देने में असमर्थ है और एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगा रहे हैं उनके लिए, इस वजह से उन्होंने आज PTM रखी, लेकिन बच्चों का रिजल्ट रोक दिया है। आज हमारे बच्चे का रिजल्ट होल्ड कर दिया है, रिजल्ट नहीं दिया है। तो ऐसे कितने पेरेंट्स होंगे जिनका रिजल्ट इन्होंने रोका है? काफी पेरेंट्स हैं और शायद अभी यहाँ पर 100 पेरेंट्स होंगे लगभग। फिलहाल इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है।